हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। इतनी ज्यादा टैली पे वीडियोस अपलोड करने के बाद भी कंफ्यूजन, आइटम रेट पर टैक्स लगाना है तो कैसे लगाएंगे, और फिर अगर हमको डिफॉल्ट टैक्स देना है तो कैसे देंगे, इस तरह का टैक्स रेट हम कैसे लगा सकते हैं, तो ये भी मैंने आपको बताया है टैली ईआरपी 9 में। कंफ्यूजन बहुत ज्यादा इस बात को लेकर के कि प्राइम में कैसे होगा, ये प्राइम में नहीं समझ आ रहा है। तो प्राइम में भी प्रक्रिया तो पूरी सेम ही है, तो चलिए ये देखते हैं इसको प्राइम में कैसे करेंगे। आपके कंफ्यूजन के लिए प्राइम पर भी एक अलग से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, उम्मीद है पसंद आएगी। चलिए आइए देखते हैं। तो यहाँ पे एक कंपनी पहले से बना रखी है हमने, हमें नई कंपनी ही क्रिएट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से क्रिएट पर चलेंगे, यहाँ पे क्रिएट पे आ चुके हैं। अब यहाँ से F3 प्रेस कीजिए, F3 यानी फंक्शन बटन, आप F3 प्रेस करेंगे तो यहाँ क्रिएट कंपनी की विंडो आएगी। तो यहाँ से क्रिएट कंपनी कर लेते हैं, कंपनी नई बना लेते हैं, और उसमें हम अलग अलग, क्योंकि बेहतर समझ में तभी आएगा जब मैं नई कंपनी बना करके आपको समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ कंपनी क्रिएशन का फॉर्म ओपन हो चुका है और यहां पर एक कंपनी मैं बना रहा हूं, ठीक है। जैसे मैं लिख देता हूं यहां अजय एंड सन्स, ये लिख दिया और एंटर प्रेस किया। यहां पर एड्रेस आएगा, तो यहां पर जो एड्रेस है वो डाल देता हूं। ये हमारे दुकान, हमने जो कंपनी बनाई उसका एड्रेस, ठीक है। एंटर प्रेस किया, यहाँ पे स्टेट डालना कंपलसरी है तो आप स्टेट जरूर डालें। यू प्रेस करता हूं, हमारा स्टेट उत्तर प्रदेश है, ये डाल दिया, ठीक है। एरिया का पिन कोड जो आएगा वो यहाँ पे आएगा, तो यहाँ पे 274001 कर दिया हमने, हमारे लोकल एरिया का पिन कोड यही है। और यहाँ पर आकर के आप देखिए, यहाँ पर कंफ्यूजन, ये तो मैं लगभग हर वीडियो में बताता हूँ, काम आपका जब से शुरू होगा, देखिए फाइनेंशियल ईयर तो 1 अप्रैल से ही शुरू होता है और 31 मार्च को खत्म होता है, और काम आपका जब से शुरू होगा वो चीज यहाँ पर आएगी। तो मान लीजिए अगर 2 अप्रैल से काम शुरू हो रहा हो तो यहाँ 2-4 कर देता हूँ, ये 2020 कर दिया, एंटर प्रेस किया, इसे एक्सेप्ट करा लिया। अब जैसे ही एक्सेप्ट कराएंगे तो एक नई विंडो खुल करके आएगी, देखिए ये विंडो खुल करके आ गई। ये टैली प्राइम की खासियत है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको जैसे नीचे आ गए हम, यहाँ पे एंटर प्रेस करते हुए यहाँ आ गए, यहाँ पर देख सकते हैं इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी इनेबल है, वाई प्रेस कर दिया, इनेबल हो जाएगा, ठीक है। और ये इस तरीके से लागू होगा, देखिए यहाँ पे स्टेट उत्तर प्रदेश है, हम रेगुलर जीएसटी फाइल करेंगे, कंपोजिशन नहीं फाइल करते हम। और यहाँ पर 2 अप्रैल से जीएसटी लागू हो रही है, मतलब 2 अप्रैल से कंपनी का काम शुरू हो रहा है तो 2 अप्रैल से ही ऑब्वियसली बात है कि लागू होगी, ठीक है। जीएसटी आईएन यहाँ पे डाल दीजिए, ये डाल दिया हमने, टैली इसको वेरीफाई करेगा, मंथली ही जीएसटी फाइल करेंगे हम। ईवे बिल को अगर यस रखना चाहे तो यस रख सकते हैं, फिलहाल मैं नो ही रखता हूँ। एंटर प्रेस करता हूँ, यहाँ पे आ जाते हैं, वाई प्रेस कर देता हूँ और यहाँ पर डिस्क्रिप्शन डालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ आइटम, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं टैक्सेबिलिटी में 3 ऑप्शन दिखाई पड़े, एग्जेम्प्टेड, निलेटेड और टैक्सेबल। एग्जेम्प्टेड का मतलब क्या होता है, टैक्सेबल का क्या मतलब होता है, ऑनली रेटेड का क्या मतलब होता है, तीनों ही एक्सप्लेन करता हूँ। टैक्सेबल का मतलब आपको टैक्स देना है, निलेटेड का मतलब किसी प्रोडक्ट पर टैक्स लग रहा है लेकिन 0% का लग रहा है, और एग्जेम्प्टेड यानी जिनको जीएसटी लॉ के बाहर रखा गया उन्हें हम एग्जेम्प्टेड कहते हैं, तो यहां पर हम टैक्सेबल कर लेते हैं, ठीक है। अब यहां पर जैसे ही आएंगे तो यहां पर बाय डिफॉल्ट टैक्स हम 28% लगा देते हैं, 28% सबसे हाईएस्ट टैक्स होता है। एंटर प्रेस किया, इस तरह से यहां आ गए। अब यहां आने के बाद फिर एंटर प्रेस करके और इसे एक्सेप्ट करा लेते हैं, करा लिया, अब ये हमारा हो गया, कंपनी बन गई। अब ये पुरानी कंपनी को बंद करना है, F3 प्रेस कीजिए और यहां से शट कंपनी पे जाइए, और यहां से किसको बंद करना है, राजेश मल्टी स्टोर, इसको बंद करना है, एंटर प्रेस करके बंद कर दीजिए। तो ये नई कंपनी बन चुकी है हमारे पास, देख ही रहे हैं आप। अब इसमें हमें अलग अलग आइटम पर टैक्स अलग से लगाना है, तो सबसे पहले तो हमें वाउचर एंट्री पास करनी होगी, वी प्रेस कर लेता हूं। वाउचर एंट्री पास करने के लिए यहां पेमेंट वाउचर शो कर रहा है, लेकिन अभी हमें कंपनी में पैसा डालना है, क्योंकि पैसा नहीं डालेंगे तो फिर हम कोई सामान परचेज या सेल कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि परचेज करने के लिए हमें कुछ पैसे की जरूरत पड़ेगी, कंपनी नहीं बनाने के लिए हमें पैसे की जरूरत पड़ेगी, तो इसके लिए हम F6 प्रेस कर लेते हैं। तो यहां से F6 प्रेस कर लिया तो रिसिप्ट वाउचर में आ जाएंगे आप। एंटर प्रेस किया और यहां 2 अप्रैल से ही हमारा काम शुरू हो रहा है, तो 2 अप्रैल अब यहां पर अपने आप आ जाता है हमारा कर्सर, तो क्रिएट पर क्लिक कर देता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं। अब यहां पर क्या करना है हमें, यहां पर कैपिटल अकाउंट का लेजर बनाना है। तो टैली में जो भी पैसा आप बिजनेस में इन्वेस्ट करते हो उसे कहते हैं कैपिटल। एंटर प्रेस किया, ये जाएगा अंडर कैपिटल अकाउंट में। बहुत सारे ग्रुप्स हैं तो इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, जितना ज्यादा आप अभ्यास करेंगे टैली का उतना ज्यादा कंफ्यूजन दूर होती चली जाएगी। कैपिटल अकाउंट यानी कि जो पैसा निवेश हो रहा है बिजनेस के लिए उसे कहते हैं कैपिटल। आप उसे बिजनेस नहीं कह सकते, आप उसे पैसा, रुपया नहीं कह सकते, आप उसे जब भी कहेंगे
तो कॉमर्स की भाषा में कहेंगे कैपिटल। ठीक है, अब एंटर प्रेस कर देता हूं, एंटर प्रेस कर देता हूं, एंटर प्रेस करके और ये सारी डिटेल चाहे तो आप फिल कर सकते हैं। मैंने ऐसे एक्सेप्ट करा लिया इसे। कितना रुपया बिजनेस में डाल रहे हैं, तो यहां पे मैं कर देता हूं 6 लाख रुपए। ठीक है, तो यहां पे 6 लाख रुपए कर दिया हमने। ठीक है, और यहां पे अब डेबिट आ रहा है, तो कभी भी कैपिटल अकाउंट क्रेडिट ही होता है, डेबिट नहीं होगा। अब यहां पर आ गए, यहां पे कैश कर दूंगा, कैश में इन्वेस्ट कर रहे हैं, एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लिया। ये काम हमारा हो गया, बिजनेस में पैसा आ चुका है। अब हम पहली एंट्री पास करेंगे, किसकी, कुछ सामान परचेस करेंगे। तो वी प्रेस कर लेता हूं और आना है अभी परचेस वाउचर में, तो आप प्रेस कर लीजिए कीबोर्ड से F9। ठीक है, F9 प्रेस करते ही आ जाएंगे परचेस वाउचर में, और यहां पर आप डाल दीजिए सप्लायर का इनवॉइस नंबर, ये डाल दिया। 2 तारीख के डेट में परचेसिंग हो रही है या कब हो रही है वो देख लीजिए। तो यहां पर मैं डेट चेंज कर रहा हूं, ठीक है। तो F2 प्रेस करता हूं और यहां करता हूं 1/5/2020। एक बार आपने ये कर लिया तो फिर ये डेट चेंज हो जाएगी। तो यहां पे देखिए 1 मई शो होने लगा, दोनों जगह पे 1 मई शो हो रहा है, देखिए यहां पर भी यहां पर भी। तो ये हो गया। अब यहां पर एंटर प्रेस करेंगे तो कर्सर हमारा नीचे आ जाएगा। यहां पर पार्टी का नेम लिखना है आपको, कंफ्यूजन यहीं पे क्रिएट होती है। पार्टी का नेम का मतलब क्या है, यहां पे कैश भी कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर आप कैश में माल परचेस कर रहे हो तो कैश कर दो, लेकिन यहां पे जरूरी है, नहीं है कि आप कैश में माल परचेस करें, क्योंकि आमतौर पे ऐसा होता है बिजनेस में कि आप सामान उधारी का खरीद के ले जाते हैं और फिर जब बेचना होता है तब जाके बेच लेते हैं सामान, तब जाके आप पैसा पेमेंट करते हैं अगले पार्टी को। ठीक है, तो यहां पर उधारी का माल परचेस करने के लिए क्रेडिटर पार्टी का लेजर बनाना जरूरी है। परचेस वाउचर है तो क्रेडिटर पार्टी, सेल्स वाउचर है तो डेटर पार्टी का लेजर यहां लगेगा ही लगेगा। तो यहां पे एंटर प्रेस कर देता हूं। अब यहां पर क्या करूंगा मैं, जैसे मान लीजिए यहां पे कर देता हूं, जैसे मान लीजिए मैं जावेद कर देता हूं, हमारे दोस्त है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, और यहां पर ये क्रेडिटर पार्टी है, तो जब भी आप अभ्यास करेंगे तो एस प्रेस करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर के ग्रुप में क्रेडिटर पार्टी को डालेंगे। तो यहां से एस प्रेस किया और यहां पे आ जाएगा सन्ड्री क्रेडिटर, आ गया। यहां पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसको यस रखना है, ठीक है। डिफॉल्ट क्रेडिट पीरियड और ये चेक फॉर क्रेडिट ड्यूरिंग वाउचर एंट्री, ये सब चीजें बाद में, अभी एंटर प्रेस करके यहां आ गए। यहां पर जावेद आलम का जो एड्रेस है वो डाल सकते हैं आप, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये भी न्यू कॉलोनी के ही है, तो यहां न्यू कॉलोनी कर देता हूं, न्यू कॉलोनी देवरिया कर दिया, ठीक है। एंटर प्रेस कर दिया, एंटर प्रेस कर दिया। यहां पर आएंगे उत्तर प्रदेश डाल देंगे, यहां पे पिन कोड की बात करेंगे, तो 274001 ये पिन कोड है। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस करते हुए इसे एक्सेप्ट करा लीजिए, ये एक्सेप्ट करा लिया। ये तमाम डिटेल आप फिल कर सकते हैं, इन सब के बारे में पहले भी बता चुका हूं। कंट्रोल ए प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराता हूं। अब यहां पर जैसे ही आते हैं तो कर्सर हमारा क्रिएट पर मौजूद है, ये फायदा है टैली प्राइम का। एंटर प्रेस कर देता हूं यहीं पर, तो अब हम लेजर क्रिएट कर पाएंगे, क्योंकि परचेस वाउचर है, तो यहां परचेस अकाउंट का लेजर लगाता हूं, परचेस अकाउंट, ये लगा लिया लेजर। एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, एंटर प्रेस किया, यहां पे पी प्रेस करता हूं परचेस अकाउंट के लिए, और यहां से परचेस अकाउंट कर देता हूं। प्रेस करना है, एंटर प्रेस करना है, एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। अब यहां पे आइटम की बात आएगी, ठीक है। तो आइटम हमें बनाना पड़ेगा, क्रिएट करना पड़ेगा। आइटम बनाने के 2 तरीके होते हैं, अब ये तरीका शॉर्टकट की यहां यूज करूंगा मैं। तो अल्ट के साथ सी प्रेस कीजिए, ठीक है। अल्ट के साथ सी प्रेस करेंगे तो यहां पे स्टॉक आइटम क्रिएशन वाली विंडो ओपन होगी। यहां पर ऑन आइटम रेट, ऑन वैल्यू नहीं, ऑन आइटम रेट किया था हमने, और फिर यहां पर देख सकते हैं 0 से लेकर, ठीक है। अब ये क्या दिया हुआ है कि अगर आप 0 से लेके, और यहां पे मैंने पांच किया था, यहां पे मैं क्या करता हूं, 500 रुपए तक आप अगर परचेस करते हो, आइटम का कीमत 500 रुपए है, तो यहां तक परचेस करते हो तो ठीक है, और 500 से अधिक परचेस करते हो तो कितना टैक्स लगता है, 12% का टैक्स लगता है, यानी 10% 0 से लेके 500 तक 10%, और फिर 500 से ऊपर की बात करें तो यहां पर जो है 12% का टैक्स लगता है। अब इसको हमने 1 मई से एप्लीकेबल किया है, और यहां पर एंटर प्रेस करके इसे एक्सेप्ट करा लेता हूं, ठीक है। ये करा लिया हमने, अब यहां से बाहर आ जाते हैं, ठीक है। बाहर आने के बाद अब हमें क्या करना है, यहां पर वाउचर्स में एंट्री पास करनी है। तो यहां पे वाउचर में गए, आपको याद है यहां पर हमने बनाया था जावेद आलम, ये जो क्रिएटर पार्टी थी हमारी। एंटर प्रेस करके इसको यहां पर आते हैं, और यहां पर भी एंटर प्रेस कर लेते हैं, यहां पर आते हैं परचेज अकाउंट आ जाएगा। अब यहां पर आईटी टूल्स का एक स्टॉक आइटम, यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का एक स्टॉक आइटम हमने बनाया था, जिसमें हमने वो आइटम रेट सेट किया था, ठीक है। तो आपको याद है कि एक बुक की कीमत कितनी है, एक अगर हम एक किताब खरीदते हैं और उसकी कीमत 400 रुपए आती है, ठीक है,
तो ये देखिए 400 रुपए एक किताब की कीमत कितनी है, 400 रुपए है, तो 400 रुपए यहां आ गया। अब 400 रुपए तो आ गया, अब यहां पे सीजीएसटी की बात कर लेते हैं, तो ये सीजीएसटी आ गया 20 रुपए। अब 400 पर 20 रुपए सीजीएसटी लगा, एसजीएसटी कितना लगा, एसजीएसटी भी 20 रुपए लगा, भाई सिंपल सी बात है। तो ये कितना परसेंट टैक्स हुआ ये हमें पता करना, ये मैं आपको कैलकुलेट करके यहां दिखा देता हूं। हाँ, एक किताब की कीमत कितनी है, 400 रुपए है, ठीक है, तो कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 10%। अगर 10% टैक्स लगाया होगा मैंने, जो कि लगाया ही है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इज इक्वल टू का निशान लगाया, 400 रुपए का कितना परसेंट है, 10% है ना, तो ये 10% हमने सेलेक्ट कर लिया। अब एंटर प्रेस किया तो यहां पे कितना आया कुल मिलाकर के, 400 का 10% 40 रुपए आया कि नहीं आया। तो यानी 400 रुपए अगर कीमत है किसी बुक की, 400 रुपए तक की अगर आप परचेजिंग कर रहे हो, ठीक है, तो ये इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पे देख सकते हैं 400 रुपए पे 40 रुपए टैक्स लगा हुआ है। अब इसको कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट करा लेता हूं। इन आइटम्स पर अलग अलग टैक्स रेट लगा रखा है, देखिए यहां पर दिखा देता हूं ये कैसे हमने निर्धारित किया कि किस पे कितना टैक्स लगेगा। ये स्लैब जो हमने लगाया था अभी कुछ देर पहले, इसको दिखा देता हूं मैं आपको। यहां पर मैं चलता हूं अल्टर पे चलता हूं, ठीक है, और यहां से स्टॉक आइटम पे आ जाते हैं, ये स्टॉक आइटम है, इसी पे आता हूं, और फुट बियर नाम से स्टॉक आइटम बनाया था, ये हमारा स्टॉक आइटम है। एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करते हुए यहां आ जाता हूं, और यहां पे ये यस किया था हमने, ठीक है, और यहां पर किया था हमने ऑन आइटम रेट। जैसे ही ऑन आइटम रेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा टैक्स स्लैब आपको दिखाई पड़ने लगेगा। अब किसी प्रोडक्ट की कीमत 0 से 300 रुपए है, एक प्रोडक्ट की कीमत, तो उसमें 5% का जीएसटी लग रहा है, ठीक है, और अगर 300 से ज्यादा और 1200 तक है तो 10% का लग रहा है, 2500 तक जो टैक्स लग रहा है वो 12% का लग रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं 2500 से 5000 पर 21% और फिर 5000 से ऊपर 28% का टैक्स लगा हुआ है। कंट्रोल ए प्रेस करके एक्सेप्ट कराता हूं इन सब चीजों को, और अब एंट्री पास करते हैं हम, इसको देखते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे। तो यहां पर आकर वी प्रेस कर लेता हूं, परचेस वाउचर में चलते हैं, यहां पे सप्लायर का इनवॉइस नंबर डाल दिया, यहां पर 1 मई में ही मान लीजिए परचेजिंग हो रही है, और यहां पे जावेद आलम ये कर दिया हमने, क्रेडिटर पार्टी का लेजर, एंटर प्रेस करके इसको एक्सेप्ट करा लिया। इन सबको एक्सेप्ट करा के यहां पे आएंगे परचेस अकाउंट का लेजर लगा करके, ठीक है। अब यहां पर क्या करता हूं मैं, यहां पे फुटवियर करता हूं, तो ये फुटवियर ले लिया। अब एक आइटम परचेस कर रहे हैं और एक आइटम की कीमत मान लीजिए 300 रुपए है, ठीक है, तो जब 300 रुपए होगी, 300 तक होगी, तो 5% का टैक्स लगेगा, तो ये 300 कर दिया हमने। अब इस पे जो टैक्स रेट लग रहा है, अब पे जीएसटी का लेजर लगा लेता हूं, तो सीजीएसटी लगाया हमने और फिर यहां एसजीएसटी, तो यहां पे देखिए, अब ये देखिए ये क्या टैक्स रेट जो हमने लगाया यहां पे देखिए, ये केवल हमने 300 रुपए वाला प्रोडक्ट परचेस किया है, एक आइटम 300 रुपए का, और एक ही आइटम हमने लिया है ताकि आपको दिखा सकूं कि कितना टैक्स लगा हुआ है। तो इसको आप एक्सेप्ट कराता हूं, कुल मिला के 316 रुपए और टैक्स का अमाउंट है 16 रुपए, तो 300 पर जो टैक्स अमाउंट है वो 16 रुपए लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे डिसाइड करेंगे, कैसे देखेंगे कि 300 पे 16 रुपए कितने परसेंट आया, तो यहां पे अमाउंट है 300 और यहां पर 300 अमाउंट है और उसके बाद टैक्स रेट जो है यहां पर इस पर 5% है। कैसे 5% हुआ 16 रुपए वो दिखा देता हूं। अब यहां पर आता हूं, इज इक्वल टू का निशान लगाता हूं, यहां पे 300 को सेलेक्ट करता हूं इनटू 5%, 5% है ना, तो यहां पे 5%, तो यहां पे देख सकते हैं 15 रुपए आ रहा है कि नहीं, 15 रुपए आ रहा है ना, पॉइंट में है, दैट्स व्हाई ये 16 रुपए हो जा रहा है। तो उससे कंफ्यूजन में मत रहिएगा, यहां पे आके ये जो एंट्री हमने पास की है वो दिखा देता हूं एक बार, और ये 316 रुपए, ये देखिए यहां पे देख सकते हैं 8-8 रुपए के हिसाब से यहां पे लगा हुआ है, तो ये 5% का टैक्स है, ठीक है। और अगर हम यहीं पर आते हैं और यही प्रोडक्ट, ये जो प्रोडक्ट है अगर 1200 रुपए का होता है, ये जो फुटवियर का प्रोडक्ट है अगर वो 1200 रुपए का होता है, तो यही टैक्स रेट पे अब 120 रुपए टैक्स लग रहा है, यानी 1200 रुपए पे 120 रुपए टैक्स लग रहा है, ये टैक्स अमाउंट जो है वो जाता है 10%। कैसे 10% है वो भी दिखा देता हूं, तो 120 रुपए टैक्स लग रहा है ना, तो यहां पे बस अमाउंट में कर देता हूं 12%, ठीक है, 1200 रुपए का अमाउंट कर देता हूं 1200, और यहां पे टैक्स रेट कर देता हूं 10%, ठीक है। ये देखिए ये टैक्स रेट 10% हो गया, तो 120 रुपए आया कि नहीं आया, तो ये 120 रुपए। अब अगला बात कर लेते हैं, ये देखिए ये 1200 रुपए पे 120 रुपए टैक्स लगा हुआ, यानी 10% के हिसाब से टैक्स लग रहा है। अगर 1200 से 2500 की बात करें, तो एक प्रोडक्ट, अब मान लीजिए यही फुटवियर का प्रोडक्ट अगर 2500 का हो, एक ही प्रोडक्ट, तो इस पर देखिए 300 रुपए टैक्स लग रहा है, यानी 300 टैक्स लगने का क्या मतलब है, 300 टैक्स लगने का मतलब है कि आपका जो टैक्स रेट है
वो कितना परसेंट लग रहा है, 12% का लग रहा है। इसके पहले कितना लग रहा था, 10% का लग रहा था। अब ये 12% करता हूं, यहां से कर देता हूं 12%, और यहां पर जो कीमत है वो हम बढ़ा देंगे, और यहां पे कीमत कर देता हूं कितना, 2500 रुपए मान लीजिए कीमत कर देते हैं। 2500 रुपए तक 12% टैक्स लगेगा। तो यहां पे देखिए 2500 रुपए का 12% कितना आ रहा है, 300 रुपए आ रहा है ना। अब देखिए टैली में देखिए 2500 रुपए का 12% कितना आ रहा है, 150-150, 300 हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहां पर देखिए सीजीएसटी एसजीएसटी दोनों को मिला दीजिए तो 300 रुपए आ गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं किस पे, अब यही चीज चेंज कर लेते हैं, ये जो 2500 रुपए अमाउंट है एक की कीमत रख देते हैं हम इस बार 3500 रुपए। 5000 तक जो 2500 से लेकर 5000 तक जो है वो जो टैक्स रेट लगेगा 2500 के ऊपर और 5000 तक, वो कितना लगेगा, वो लगेगा आपका 21%। तो यहां पे कर देता हूं 4400 रुपए। मान लीजिए किसी फुट बियर का जो प्राइस है, एक फुट बियर का 4400 रुपए है, ठीक है। तो ये 4400 रुपए कर दिया, अभी टैक्स रेट कितना आ गया, 448 और एक 924 रुपए समथिंग ये टैक्स रेट आ रहा है। तो यहां पर अभी क्या करता हूं, अभी इसको एनालिसिस करते हैं, ठीक है। तो यहां पर आते हैं, और इस बार कितना टैक्स लग रहा है, इस बार टैक्स का जो रेट है वो कितना लग रहा है, वो लग रहा है 21% का। तो यहां 21% कर देता हूं, और अमाउंट जो कि टैली में हमने दिया है, एक प्रोडक्ट की कीमत कितनी है, 4400 रुपए है। तो यहां पर 4400 रुपए कर देते हैं अमाउंट, ठीक है। ये अमाउंट हमने कर दिया 4400 रुपए, और जैसे ही 4400 करेंगे तो 924 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहां पे भी ये भी क्लियर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाले की, यानी कि 21% भी हमने लगा लिया, अब बात कर लेते हैं 28% की। तो 5000 से ऊपर जैसे ही जाएंगे हम तो यही 28% हो जाएगा। तो यहां 5000 रुपए देखिए टैली में पहले दिखा देता हूं, टैली में ये देखिए, यहां पर मैं एक जो फुटवियर का प्रोडक्ट है उसकी कीमत कर देता हूं 5500 रुपए, 5000 से ऊपर है 5500 रुपए, ठीक है। तो ये 5500 कर दिया, अब जो टैक्स रेट लगा हुआ है वो देखिए 1520 रुपए समथिंग हो रहा है, ठीक है, 1540 रुपए टैक्स हो रहा है। तो यहां पर अब इसको जोड़ लीजिए 770 770, तो 1500 समथिंग 40। तो यहां पर आते हैं, अब यहां पे कर देता हूं मैं एक बार प्रोडक्ट की कीमत देख लेते हैं, 5500 रुपए है। तो यहां पे इस बार अब 5500 रुपए कर देते हैं, ठीक है, 5500 रुपए कर दिया हमने। और अब यहां पे 28% की जीएसटी लग रही है 5500 पे, तो यहां पे देखिए 28% कर दिया हमने, ये एंटर प्रेस किया, तो यहां पे देखिए 1540 रुपए, मैंने बताया था 1540 रुपए आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिए 770 770 के हिसाब से टैक्स लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है। तो जैसे ही आप कीमत बढ़ाएंगे उस हिसाब से आप ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा अगर आप ये काम करते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से हेल्प मिलेगी, अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।